सोशल मीडियावर फेक अकाउंट तयार करून मुंबई पोलिसांची बदनामी करणाऱ्यांविरोधात 2 FIR दाखल करण्यात आलेली आहेत. याबाबत सायबर एक्सपर्ट्स कडून अधिक तपास सध्या सुरू असल्याची माहिती मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी दिली आहे. 14 जूनला सुशांत सिंह राजपूतनं आत्महत्या केली होती आणि तेव्हापासून आतापर्यंत सोशल मीडियावर सुमारे 80,000 फेक अकाउंट्स ऍक्टिव्ह झाले आहेत आणि या फेक अकाउंट्सच्या माध्यमातून मुंबई पोलिसांवर खोटे आरोपही करण्यात येत आहेत. या धक्कादायक म्हणजे हे अकाउंट्स इटली, थायलंड, फ्रान्स, इंडोनेशिया, टर्की इथून ऑपरेट करण्यात येत असल्याचंही समजतं आहे. अनेक फेक अकाउंट्स तर 2010लाच उघडण्यात आले पण ॲक्टिव्ह मात्र गेल्या काही दिवसात झाले. ह्याच फेक अकाउंट्समधून जस्टिस फॉर सुशांत सारखे हॅशटॅग सुरू करण्यात आले. मुंबई पोलीस आयुक्तांनी दिलेल्या माहितीनुसार सोशल मीडियावर मुंबई पोलिसांविरोधात प्रॅपोगंडा सुरू आहे आणि त्यामुळेच IT ॲक्टनुसार सायबर सेलकडून ह्याबाबत अधिक तपासही सुरू आहे. साइबर लैब एग्जामिन कर रही है इस प्रकार के जितने सोशल मीडिया पे जो अकाउंट्स क्रिएट किए गए थे. बहुत से फेक अकाउंट्स क्रिएट किए गए थे और सिर्फ गाली गलौज के अलावा ये अकाउंट्स कुछ नहीं कर रहे थे, झूठ फैला रहे थे. ऑलरेडी हमारी साइबर एक्सपर्ट्स इसको एग्जामिन कर रहे हैं एंड जो इस प्रकार के फेक अकाउंट्स करके ऐसा एक कैंपेन चला रहे थे उनके विरुद्ध अवश्य ही कार्रवाई की जाएगी. और जो कुछ मीडिया में भी कुछ इस प्रकार का कैंपेन चलाया गया उसके बारे में कुछ कंसर्न हमारे सीनियर रिटायर्ड ऑफिसर्स थे, उन्होंने ऑनरेबल हाईकोर्ट में एक PIL फाइल की है. वो हाईकोर्ट के सामने है. 8 अक्टूबर को सुनवाई होने वाली है. आणि याच संदर्भात आपण अधिक माहिती जाणून घेणार आहोत आमचे प्रतिनिधी अंकुर त्यागी यांच्याकडून. अंकुर, मुंबई पोलीस यांना बदनाम करण्यासाठीच हे फेक अकाउंट तयार करण्यात आले आहेत का? सुशांत प्रकरणी हे सगळं बदनामीचं षड्यंत्र आखण्यात आलं होतं का? यही आरोप जो मुंबई पुलिस इस वक्त लगा रही है. कल मुंबई पुलिस ने दी न्यूज से बातचीत में साफ तौर पे कहा, जो CP परमबीर थे उन्होंने कहा कि किस तरीके से एक पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम फेक अकाउंट्स का पैदा किया गया है सोशल मीडिया पर, खास तौर पे जिनमें ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है और तमाम जितने दूसरे मीडियम कम्युनिकेशन के लिए होते हैं सोशल मीडिया पे अवेलेबल वहां पर. और जो साइबर सेल से जुड़े हुए जो हमारे सोर्सेज हैं उन्होंने कंफर्म किया है कि 80,000 ऐसे सोशल पे अकाउंट्स थे जिनमें से अधिकतर फर्जी हैं. उनमें से भी अधिकतर ऐसे हैं जो टर्की, इंडोनेशिया, फ्रांस, इटली इन देशों में से ऑपरेट किए जा रहे हैं. और कई अकाउंट्स सोशल मीडिया पे ऐसे हैं जो 2010 या उसके बाद बनाए गए हैं लेकिन वो एक्टिव नहीं थे. उसके बाद उनको एक्टिव किया गया है. जब सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून को सुसाइड किया और उसके बाद जिस तरह का पूरा का पूरा कैंपेन हमने देखा सोशल मीडिया पे जस्टिस फॉर सुशांत या #SSR इस तरह का कैंपेन चलाया जा रहा था. तो अब मुंबई जो पुलिस है उसकी साइबर सेल ने 2 FIR अलग अलग मामलों में इस पे रजिस्टर करी है. और सेक्शन जो है IT के IT एक्ट के तहत सेक्शन 67 के तहत ये पूरी कार्रवाई की जा रही है. धन्यवाद ये पूरी जानकारी के लिए. अंकुर त्यागी आमचे प्रतिनिधी या संदर्भात माहिती देत होते. मात्र आपण पाहिलं ती आधी एम्सचा अहवाल आला त्यानंतर आता हे सगळं 80,000 फेक अकाउंट्सचं प्रकरण समोर येते. या प्रकरणी 2 FIR देखील दाखल झालेले आहेत. त्यामुळे सुशांत प्रकरणी एकूणच मुंबई पोलिसांना बदनामीचं षड्यंत्र आखलं जात असल्याचं ह्या निमित्तानं आता समोर आलेलं आहे.